गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द सेकंड व्लॉग। तो आज हम सुबह सुबह हम वहाँ पे गए थे वो मंदिर में। मैं यार उसका फिर से नाम भूल गया, जो भी था मंदिर, मैंने आपको पिछले वाले व्लॉग में बताया था। तो कल तो हम जा नहीं पाए थे। आज सुबह का यार इतना स्वीट मौसम और ऊपर से इतना मतलब ब्यूटीफुल सीन दिख रहा था वहाँ से, क्योंकि वो टॉप ऑफ द हिल था ना, वहाँ से सारी गंगा दिख रही थी, सब कुछ अच्छे से था। फिर बाद में यार पर एक चीज़ हो गई, मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। फिर मैं यहाँ पे फ़ोन को चार्जिंग पर लगा के आया और हेलो, ये दोनों ऊपर घूम रहे हैं। हाँ, तो फ़ोन को चार्जिंग पर लगा के आया, अब देखा अब भी 50% है। चलो छोड़ो, कोई नहीं, अब तो हो गया, उसके लिए सॉरी। और फिर अब हम जाएंगे गंगा वहाँ पे घाट पे नहाने, और फिर हम वहाँ से ऋषिकेश चले जाएंगे, वहाँ से छोटी शस्त्रधार पे नहाएंगे, बाद में हम और आगे चले जाएंगे राफ्टिंग करने के लिए। अभी तक तो ये प्लान है। हाँ जी, अभी तो मैं उतरा हूँ वहाँ पे, CNG भर रही है ना, और अभी हम लच्छी वाले जा रहे हैं वहाँ पे, मतलब छोटी शस्त्रधारा। एक्चुअली है क्या, मैं जब पिछली बार गया था ना, तो एक लेजी रिवर सी वो जाती है और ऊपर की तरफ ना पेड़ घिरे रहते हैं, तो भाई सही जगह है स्विमिंग करने के लिए, और उसी लिए ही वानी आई थी यही चीज़ करने के लिए। तो वो एक्साइटेड हो रखी है, वो दूसरी वाली गाड़ी में बैठी है उधर, वो वाली गाड़ी, और अभी यहाँ पे CNG में भर रही है। और बोरी मम्मा माँ, मोटी हो गए सही में। तो गाइस अभी 9 o'clock हुए हैं, यहाँ पे हमने खाना खाया, भाई क्या जबरदस्त खाना है ना। मुझे तो भाई ढाबे ही अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते ये 5-star होटल वोटल, ढाबे का खाना मस्त रहता है। तो ये जो छोटी सस्ते धारा है ना, उससे 2 मिनट पहले ही ये है पास में, इसी रोड पे है, जब आप जाओगे वहाँ पे है उधर, तो यहीं पर ही आपको मिलेगा ये पुंछ ढाबा। भाई इतने बड़े पराठे, बहुत ज़बरदस्त खाना था इनका, बहुत ज़बरदस्त। बता रहा था मतलब दिल्ली से जब हम निकले थे ना, हमारे पास सिलेरियो है, तो उससे हमने अपनी CNG फुल करवा ली थी 600 में, और वहाँ से हम हरिद्वार पहुंच गए थे। तो अब विद AC पूरी CNG में 600 रुपये में, और अगर विदाउट CNG पहुंचते तो हमें लगते हरिद्वार के आगे ऋषिकेश, ऋषिकेश के आगे देहरादून, वहां तक हम पहुंच जाते इजीली। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना कि अगर आप CNG में जा रहे हो, वैसे भी सिलेरियो की माइलेज अच्छी है, तो वो तो और अच्छा दे रही है ऑफकोर्स। और ये देखो अभी दिखाता हूँ मैं अभी बाहर का सीन, तो ये है लच्छी वाला नेचर पार्क, यहाँ पे टिकट काउंटर है जस्ट। यार ये मस्त है, पहले नहीं था ऐसा। ये अंकल खड़े हैं, ये पापा, और वहाँ पे मासी और दोनों बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे दादाजी और मामा बैठी है। तो यार सही कर रखा है इन्होंने भी। अच्छा हाँ, वो है कहाँ, जहाँ पे मैंने आपको ढाबा दिखाया था, वहाँ से जब आप स्ट्रेट जाओगे ना, तो अगर आप वहाँ से आओगे, ये फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ना आपको ना, नीचे से राइट हो जाना है वहाँ से, उस रोड से, तो आप सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आओगे, आपको कुछ और नहीं लेना। यो गाइस, ए इन्होंने ना एक काम ये अच्छा नहीं किया, यहाँ पे मैं पहले आया था ना, तो पहले ये अंदर की तरफ था पीछे, रुको अभी दिखाता हूँ, ये ना जहाँ पे है ना, इसके पीछे की तरफ था, तो वहाँ पे ना ज़्यादा गहरा पानी था, मतलब ढंग से बोलना नहीं जा रहा, मेरे से ठंडी लग रही है मैं ना पता है कहाँ से आ रहा हूँ, अभी चलते चलते पीछे से आ रहा हूँ उधर से, क्योंकि वहाँ से हमें दक्ष और वाणी नहा रहे थे ना, तो वहाँ पे क्या हुआ, वो तैरा नहीं जा रहा उससे, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पानी है ना, तो अब यहाँ पे इतना पानी है, तो यहाँ पे हम भी हम आगे वाले से जा रहे हैं,
मालसेज दिखाऊंगा मैं, ये सेकंड वो है इसका स्टेज जो भी बोलते हैं, फर्स्ट वाला ना वहाँ से साइड में से पानी आ रहा है, तो वहाँ से ही चालू होके यहाँ से उधर जा रहा है, ऐसा चल रहा है। और ये हमारे अंकल, हेलो करो। और बहुत सही जगह है ये, हाँ बहुत ऊँचे रहे हैं, बेस्ट लोकेशन लगी अभी तक। यहाँ पे ना इसके नीचे बैठ के अभी अभी फोटो शूट कराया मैंने अपना। क्या अम्मा? हाँ आप तो हो गए 5 में से 3। मम्मी को स्विमिंग करना नहीं आता इसलिए कह रही है 5 में से 3। नहीं थोड़ा सा हरिद्वार में तो चिल्ड वाटर है, ऊपर से हाथों से गंदा है। गंदा इसलिए लग रहा है क्योंकि ना ये मैंने अभी बताया ना नया बनाया। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। नया नहीं, पहले था लेकिन ये चेंज करके इधर बना। हाँ ये चेंज करके यहाँ पे नया बनाया ना, तो अभी ये पानी का फ्लो ना मिट्टी को अभी लेके नहीं गया, तो वहाँ पे मिट्टी जब जूझते है ना, मिट्टी इधर उधर होती है तो दिखता है ये ज्यादा गंदा है, पर है नहीं गंदा, वो मिट्टी ऊपर नीचे होती है। इन्हें पता है नहीं कुछ कुछ भी बोलते, गंदगी कुछ भी गंदा। 2 रेटिंग 3 भी ज्यादा दे दी, 4 रेटिंग 5 में से। अम्मा क्या टाइम हो रखा है? 1:30। हाँ अब कितने परसेंट दोगे? अब तो 5। कितने में से ना? 5 में से। I don't remember asking you a goddamn thing. पता है क्यों? मैंने बोला था मम्मा को नहीं आता तैरना, अब मम्मी ने ली फ्लोटिंग। ओ भाई जिस टाइम मम्मा, हमने किस टाइम बताया था? 11:30 ऑलमोस्ट, फिर तब से लेकर अब तक हम कूदे ही जा रखे हैं। हम मेरे ख्याल से कितने 10 बजे आ गए थे ना यार। हाँ बट अब एंजॉय किया अगर आपको स्विमिंग आती है। हाँ अब देखो देखो देखो, हाँ कह रहा था अगर आपको स्विमिंग आती है तो कर सकते हो, तो मम्मा ची आएंगे वरना नहीं आने वाले। अब मम्मी मैं हम सारे हम फिर से कूदे पड़े थे भाई। मेरा नाम तो इन्होंने क्रोकोडाइल रख दिया सही में। मैं निकल ही नहीं रहा था पानी से, ये भी अभी पापा ने निकाल दिया, बोल दिया कि जब ना देखो हाथ देखो खुजलियाँ हो रही है सही में। ओ भाई पर मजा होता है यार, मैं तो 6 दूंगा 5 में से। अभी हम यहाँ पे स्विमिंग करके आ गए, और जहाँ पे थी ना रिवर, तो उसके साइड में जस्ट इतना ब्यूटीफुल पार्क है ना, दिख नहीं रहा है यहाँ पे ढंग से। यहाँ पे एक म्यूजिकल फाउंटेन, 4 सिंपल फाउंटेन, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, बंजी जंपिंग, फलाना ढिंगाना, ये वो सब है। लेक भी है, लेजी रिवर भी है। ओ माय गॉड, चलो ये भी दिखाता हूँ, रुको ये देखो। यहाँ पे पहले ना मैं आपको कह नहीं रहा था चेंज हो गया, तो चेंज यही हुआ था। पहले हम सारे ना यहाँ पे नहाते थे, और पर अब वो चेंज करके कहीं और कर दिया। ये यूं था, यहाँ से ये यूं था, ऐसे है ब्रा। तो गाइस हमने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया, और उसके बाद हमने वीडियो नहीं बनाई, खाना खा के हम होटल ढूंढने लग गए थे। और हाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पे ना रोड पे घर की जगह होटल ही होटल है, तब भी इतना रश है ना, मतलब यहाँ पे ऋषिकेश में पहुँचने के बाद एकदम से जाम आना चालू हो गया था, और रश बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर तब भी हमें होटल मिल गया। चलो कोई नहीं, अभी एक हमारी ना, हम तो थोड़ा थक गए थे, हम ना थोड़ा ज़्यादा देर तक हो गए थे, तो जो दूसरी वाली फैमिली थी मम्मा की फ्रेंड, वो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ एडवेंचर पता नहीं वो कोई सा करने गई थी, 2 घंटे के वो थी, तो हमारे पास ये दादाजी है ना मेरे, वो ज़्यादा थक गए थे, तो उनकी वजह से, और वानी भी सो गई थी, तो फिर उनकी वजह से हमने भी नहीं करी। हम अपना होटल लेके वहाँ से अपना ऋषिकेश आ गए, और ऋषिकेश आने के बाद हमने होटल ले लिया, और अभी हमने खाना ऑर्डर कर लिया।
और अब क्या है, हमने ना राफ्टिंग के लिए देख लिया, कल सुबह हम राफ्टिंग के लिए जाएंगे। आपको पहले से होटल बुक कर लेना चाहिए वरना भाई बहुत झंझट में फंसोगे, बहुत फंसोगे। चलो मैं अभी आपको होटल दिखा देता हूँ, अपना रूम। तो उससे पहले आप इंजॉय कर रहे थे ना, तो वहाँ की कुछ क्लिप लिफ्ट मैंने रिकॉर्ड करी थी, तो वो देख लो, ठीक है। गेट सा, और इसको जाएंगे ना तो यहाँ ये यहाँ से स्टोरेज है, नीचे स्टोरेज है, यहाँ पे टीवी, यहाँ पे भी स्टोरेज है, यहाँ पे एक बेड है, यहाँ पे डबल बेड, बीच में टेबल, और यहाँ पे दूसरा डबल बेड है, और यहाँ पे ये शीशा, और एसी वैसी सही है इस बार, ये थोड़ा ठीक ठीक मिल गया। और भाई बाथरूम ये है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, मैं हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी सुबह हुए हैं 7:11 और हमारी 8 बजे की राफ्टिंग है, तो सोचो हम इतने बजे तो उठे, और अभी तो मैं बेड पे बैठा हूँ, मैं नहीं उठ रखा, मैं नहीं भाई, ठंडी है है ना भाजी, वहाँ से तो है ही, पता नहीं कितना डिग्री होगा, 32। और मैं ये बोल रहा था कि कल का व्लॉग और आज का व्लॉग, आज का थोड़ा सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसलिए दोनों मैंने इकट्ठे बना दिए, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ओयो हाँ, तो दोनों मैंने इकट्ठे बना दिए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था इस वीडियो में, बस ये कुछ नहीं, मुझे वापस छोड़ा है भाई। तो गाइस हम निकल चुके हैं शिवपुरी के लिए, अभी तो थोड़ी देर रुके हैं, एक जैकेट लानी है उन्हें। तो हम कितने बंदे हैं, एक अंकल है, मम्मा है, पापा है, हेलो करो, हेलो हेलो। तो मैं ये कह रहा था, और वानी और दक्ष ये दोनों मासी के पास हैं वहाँ पे, और बाबा जी भी उतरी है, ठीक है। तो अभी वो तो कह रहे थे कि राफ्टिंग करते वक्त बीच में आपको फ़ोन दे देंगे तो वो करवाने के लिए वीडियो वीडियो, पर वैसे नहीं दे सकते, तो फिर मैं आपको बीच उधर ही मिलता हूँ, या फिर बीच में भी एक बार आता हूँ, ठीक है, शॉर्ट पे, क्योंकि यहाँ पे ना आवाज़ बहुत आ रही है, यहाँ पे मुझे पता नहीं इसमें भी आवाज़ आ रही होगी मेरी, बोल चिल्ला चिल्ला के रहा हूँ मैं। अभी हम पहुँच गए अपनी लोकेशन पे, वहाँ से चालू होगी, और ये हमारी पता है तीसरी बार कर रहा हूँ, पर हाँ कुछ साल हो गया ना, कई साल हो गए करे, तो मजे आएंगे यार। देख भाई वहीं से ही चालू है, ओह माय गॉड, यो मम्मा कैसा लग रहा है आपको, हेलो फीलिंग नाइस, अभी 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 डर रही थी मम्मा, क्या फिर से करना, कैसा लग रहा है आपको, वेरी गुड, फीलिंग एनर्जेटिक, ओह माय गॉड, हाउ डू यू फील सर, ऑल थम्स अप। सो वी जस्ट अराइव्ड आवर फर्स्ट लोकेशन, ऐसा सा कुछ है यहाँ पे, मम्मा कितनी मोटी दिख रही है ये पापा रे, और वो अरे अंकल थोड़ा थोड़ा करके, और हमारे साथ
चार लोग तीन लोग हो रहे हैं, तीन चार लोग। तो ये देखो क्या मस्त लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे लद्दाख में आ गए। वाह यार। और अभी अभी फोटो सेशन हो गया हमारा और अब हम तैयार हैं जाने के लिए। तो अब शायद जहाँ पे बीच में स्टॉप करेंगे तो वहाँ पे एक बार आपको दिखा दूँगा, और अगर नहीं करेंगे तो फिर इसके बाद ही कैमरा दिख सकते हैं शायद आपको। ओके बाय। नहीं मतलब बाय नहीं, वापस आना समझ आएगा। वो 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 यार क्या मस्त थी ना, पता है इतने बड़ी बड़ी वेव्स आ रही थी और मतलब समझो पहाड़ पे बीच सा दिख रहा है या तो है ना, पर नहीं ये यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे आए ये मतलब वहाँ से बस यहाँ तक होगा ऐसे ना, यहाँ पे कई सारे हैं और इतना मस्त था। हाँ पर उनके पास ना कैमरा था खुद का GoPro, वहाँ पे वो कह रहे थे कि हम आपको वीडियो दे देंगे, तो अगर वो अगर मुझे जल्दी वीडियो मिल गई तो फिर मैं थोड़ी बहुत इसमें शूट वो डाल दूँगा। और तो यार क्या मस्त था ना, मैं जो अगर अगर आप यहाँ पे आए ना श्रीपुरे या यहाँ पे कहीं पे भी तो राफ्टिंग जरूर करना। से हाय एंड से लाउडली गंगे मैया की जय, गंगे मैया की जय। रेडी गाइस नपोवत पैडल। कोई बात नहीं, गंगे मैया की।